Hi, I'm Pooja Banerjee and you'll be watching me on Life OK as Parizat for the show called The Adventures of Hathi. मैं एक वॉरियर का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ कॉल्ड परिजात, जो बेसिकली इज़ इन सर्च ऑफ हातिम, और उसे उसकी रियलिटी बताने में मैं अपनी काफ़ी लाइफ गुजार चुकी हूँ, बिकॉज आई माई सेल्फ हैव अ बैकग्राउंड स्टोरी जो आपको शो देखने के बाद पता चलेगा. तो बेसिकली इन द शो आई एम प्रेटी मच बोल्ड, स्ट्रॉन्ग और साथ ही साथ डेयरिंग टू द कोर. आप लोग को जब शो देखेंगे आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा दैट इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट ड्रामा, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट इमोशंस, इट्स ऑल्सो अबाउट अ लॉट ऑफ एक्शन, स्टंट्स एंड एट द सेम टाइम ब्रिलियंट ब्रिलियंट सिनेमाटोग्राफी, कहते हैं प्यार हम, जिसमें आई वॉज प्लेइंग अ टॉमबॉय. उसके बाद आई डिड अ शो कॉल्ड घराजा परदेसी इन विच आई वॉज प्लेइंग NRI. तो टोटली डिफरेंट कैरेक्टर्स, फर्स्ट टॉमबॉय, सेकेंड टोटली यू नो sophisticated character, and now I'm playing a warrior and then I'll be a princess. So kafi sare shades carry karne ko mil raha hai isi saal mein. Apne lead character Rajbir se kaam karna kaisa lagta hai? Rajbir ke sath shoot karna I think bahut mazedar hai, wo bahut hi humorous hai, matlab use aap expect nahi kar sakte ki aap kuch puchoge aur aapko uska sahi jawab milega. Definitely wo kuch aisa jawab dega ki aap 2 second usko aap dekhenge, uske baad aap hansna shuru kar denge. To is scene pe kaise approach kiya tha? जब निखिल सर ने मुझे बताया कि आपको परिजात का रोल करना है, आई थिंक मैंने दूसरा थॉट अपने दिमाग में लाया नहीं, इमीजिएटली आई वाज लाइक आई एम अप फॉर इट सर, यू कैन जस्ट काउंट ऑन मी. पर अप्रूवल के लिए वेट करना पड़ता है क्योंकि कॉस्ट्यूम, डायलॉग्स, स्क्रिप्ट जो आती है, जो स्क्रीन प्ले है, काफ़ी डिफिकल्ट है. हम लोग जैसे नॉर्मल भाषा में बात करते हैं, आप और मैं, हम लोग जैसे बात करते हैं वैसे हम शो में बात नहीं करते. शो में काफ़ी उर्दू है और साथ ही साथ ठहराव के साथ बोलना पड़ता है, जो डायलॉग्स है काफ़ी डिफरेंट है. सो काफ़ी टाइम लगता है, आई डिड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू से द यू नो परफेक्ट लाइंस. लास्ट क्वेश्चन, आप बिग बॉस फॉलो करती हैं? हाँ जी बिल्कुल करती हूँ. नहीं मतलब इस साल का फॉलो नहीं किया क्योंकि इस साल मैं टोटली डिवोटेड टू हातिम. सुबह 5:30 बजे से जो मेरा शेड्यूल शुरू होता है वो रात के 10 बजे तक ख़त्म नहीं होता है, मेरा फ़ोन बंद रह जाता है. आई हैव नो टाइम फॉर एनी थिंग दिस ईयर, क्योंकि सुबह हॉर्स राइडिंग करना, स्वॉर्ड फाइटिंग सीखना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, तो मेरे पास और किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं है. डेफिनेटली बिग बॉस ऐसी कोई अतरंगी सी जगह नहीं है, इट्स अ नॉर्मल शो, इट डिपेंड्स आप अपने आप को कैसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे. तो आई थिंक आई विल बी अप फॉर इट. My mom is